शातिर क्यों ना हो, एक दिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ता है। ताजा मामला आगरा से जुड़ा है, जहां की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि सराफा कारोबारियों को अपना निशाना बनाता था। उन्हें नहीं किसी का खौफ, वो हैं शातिर अपराधी। वो कर देते हैं पल भर में किसी को भी कंगाल। लूट हत्या उनका मकसद, निशाना बनते हैं कारोबारी। पुलिस हिरासत में खड़े इन चारों चेहरों को गौर से देखिए, जाने अनजाने शायद आपकी मुलाकात हुई हो। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन आगरा की जनता इन चेहरों से जरूर वाकिफ होगी। एक बार फिर देख, जाने अनजाने शायद आपकी मुलाकात हुई हो। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन आगरा की जनता इन चेहरों से जरूर वाकिफ होगी। एक बार फिर देखिए, पुलिस गिरफ्त में किसी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है, तो कोई मारे खौफ के ढीला पड़ा है। अगर आपने चेहरा देख लिया हो तो इनके कारनामों का जिक्र किया जाए। चारों बेहद ही शातिर लुटेरे हैं। लूट कत्ल इनका पेशा है, और पल भर में किसी को कंगाल कर देना इनका मकसद। आगरा के इस लुटेरे गैंग ने शहर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, और निशाना बनते थे सराफा कारोबारी। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यकीनन उसे देखकर आप यही कहेंगे, अच्छा हुआ इन लुटेरों के साथ। एसएसपी साहब की मेज पर पड़ा ये सामान देखिए, सीलबंद चार तमंचे, बोरियों में बंधा चांदी। ये सारा साजो सामान इन लुटेरों के पास से बरामद हुआ है। एक और चौंकाने वाली बात, इनका सरगना बर्खास्त पुलिस कर्मचारी है। आप खुद ही सुनिए एसएसपी साहब की जुबानी। ये आगरा पुलिस को बरसात में एक बहुत महत्वपूर्ण लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। हैरत की बात है कि इस लुटेरे गैंग का सरगना यूपी पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल देवेंद्र सिंह है, जो 2001 में बर्खास्त होने के पश्चात अब तक 35 से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके गिरोह में 7-8 और भी मेंबर्स हैं, जिनमें से 3 और अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। हो गया ना आपको भरोसा, मान गए ना कि लुटेरे बेहद ही शातिर हैं। पुलिस की खातिरदारी के दौरान इन लुटेरों ने कई वारदातों का खुलासा किया। शहर में हुए 9 वारदातों को इन लुटेरों ने हाल फिलहाल में अंजाम दिया है। पकड़े गए इन लुटेरों की निशानदेही पर गैंग के सरगना को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिसका नाम देवेंद्र सिंह। बर्खास्त होने के बाद देवेंद्र ने तकरीबन 35 लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके ऊपर दर्जनों से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। गैंग के साथ साथ 4 ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र में और विशेष करके सर्राफा कारोबारियों के जाने की सूचना देकर इन्फॉर्मर की भूमिका लुटेरों के गैंग में निभाई है। तो कुल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार गैंग का लीडर देवेंद्र सिंह सबसे मुख्य जिस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मुखबिर की मदद से पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मान रही है कि जल्द ही और कामयाबी हासिल होगी। पुलिस की इस सफलता ने एक तो बात साबित कर ही दी कि अब अपराधियों की खैर नहीं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। अब जो खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, उसे देखकर आप यही कहेंगे कि वाकई ये मौत के सौदागर हैं।